welcome everyone to another episode of the series hashtag ACCA for class 12. तो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ACCA, यानी कि ACCA कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे. Everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am ACCA Disha Chauhan, a proud FinTrammo. Welcome everyone to another episode of the series hashtag ACCA for class 12. तो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ACCA, यानी कि ACCA कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे. पर बिफोर हम उससे स्टार्ट करें, अगर आपने पहले के इस सीरीज के वीडियोस यानी कि व्हाट इज ACCA, बेनिफिट्स ऑफ ACCA अभी तक नहीं देखा है, देन आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी. गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो. उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई ACCA है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप करते हो ACCA. सो डू वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल FinTram Global, बिकॉज वी पोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू ACCA, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो डू सब्सक्राइब, इट कीप्स अस ऑल्सो मोटिवेटेड. ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम आज के वीडियो में कि भाई ACCA में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं. इतने बच्चे पूछते हैं, मैम ACCA क्या है तो समझ लिया भाई, फायदे भी समझ लिया, अब आप बताओ उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या है वो सब्जेक्ट्स. तो बच्चों, टोटल जो आपको पेपर्स क्लियर करने होंगे वो होंगे 13. अब ये 13 पेपर्स तीन लेवल में डिवाइडेड है. पहला आ जाता है आपका नॉलेज लेवल. नॉलेज लेवल में आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. FinTram Global में मैं ही उसकी फैकल्टी हूं, तो मैं ये तो आपको एकदम डिटेल में बता ही सकती हूँ. फिर आ जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट. फिर आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो एक तो हो गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा जो आपकी हार्ड कोर अकाउंटिंग, जो नंबर्स क्रंचिंग वाली अकाउंटिंग होती है, जो आप अकाउंटेंट्स का ब्रेड एंड बटर होता है, वो हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी क्या है मैम? अरे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बच्चों, 11th 12th में पढ़ा है आपने, बिजनेस स्टडीज पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, बस समझो वही है बिजनेस टेक्नोलॉजी. उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज यू नो द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ नया नहीं है. जो आपने बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, वे वही है, आप वही सारी चीजें बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे. यू नो मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, डिमांड सप्लाई क्या है, ये ही सारी चीजें आप पढ़ते हो. और उतना वास्ट भी नहीं है जितना आपका इकोनॉमिक्स था, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स नहीं है, कुछ पार्ट्स ही उसके लिए. फिर आ जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट में आप पढ़ते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. इसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा पढ़ोगे, यू नो कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो किसी भी कंपनी में जो मैनेजमेंट होती है उसमें कैसे अकाउंटिंग होती है, वो सारी चीजें आप पढ़ोगे. फिर आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो एक तो हो गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा जो आपकी हार्ड कोर अकाउंटिंग, जो नंबर्स क्रंचिंग वाली अकाउंटिंग होती है, जो आप अकाउंटेंट्स का ब्रेड एंड बटर होता है, वो हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये वही अकाउंटिंग है ना जो आपने 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ी है, राइट? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्या जर्नल होती है, क्या लेजर अकाउंट होते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बैंक रिकंसिलेशन कैसे होता है, वही सारी चीजें वापस से आप पढ़ोगे अगर आप ऑलरेडी 11th 12th में अकाउंट्स कर चुके हो या कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपके लिए और भी आसान हो जाता है. इसलिए मैं कहूंगी फटाफट 11th में हो, 12th में हो, 12th के जस्ट बाद आप ACCA स्टार्ट कर दो. अभी आपने वो सारी चीजें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हैं, तो आपके दिमाग में वो फ्रेश है. तो यही सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. थोड़ा आप ग्रुप कंपनी सब्सिडरीज, ये थोड़ी एक दो चीजें नहीं एडेड हैं, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जो आपने ऑलरेडी किया होगा. ये हो गए आपके नॉलेज लेवल के तीन पेपर. फिर आ जाते हैं हम स्किल लेवल में, जिसमें पहला है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ. और ये जो चार पेपर्स है, यानी कि तीन नॉलेज के और पहला स्किल का, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये सारे ऑन डिमांड एग्जाम है.
ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सेशन वाले जो एग्जाम होते हैं वो क्या होता है, वो सब हम इसी सीरीज में आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर में। अभी के लिए समझ लो ये आपके ऑन डिमांड, यानी कि आप जब चाहो इनको दे सकते हो, ऐसे कोई आपको सिटिंग नहीं है, आपके ऊपर चॉइस है, किस भी दिन किसी भी महीने में आप दे सकते हो। तो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में क्या है मैम, फिर इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं, इसकी भी मैं फैकल्टी हूँ, एफए की भी मैं फैकल्टी हूँ फिनट्रैम ग्लोबल में। तो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे लॉज के बारे में, इंटरनेशनल लॉज जो हो गई वो पढ़ोगे, यू नो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन बिल ऑफ लेडिंग से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब पढ़ोगे, आप फ्रॉडुलेंट बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें, इनसे रिलेटेड लॉज, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे। और ये सब हमने डिटेल में हमारे जो कोर्स है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का, उसमें सब पढ़ाया है कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आप चाहो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, यू जस्ट हैव टू विजिट आवर वेबसाइट एंड जस्ट रजिस्टर फॉर द क्लासेस। फिर आ जाता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब ये वो सब्जेक्ट है, ये उसमें आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैसे एक कंपनी के एक बिजनेस के परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाए। तो इसमें आप पढ़ोगे जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, बजटिंग, कंट्रोल, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। फिर एक और सब्जेक्ट है इसमें स्किल्स में, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हो गया। अब आओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें पढ़ाते हैं जो किसी भी एक फाइनेंस फंक्शन के फाइनेंस मैनेजर को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप वो सारे फाइनेंशियल मॉडल्स और ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो ये सब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद रिलेटेड टू फाइनेंस होता है, ये थोड़ा अकाउंटिंग से अलग है, ऑडिटिंग से अलग है, ये फाइनेंस पे यू नो फोकस करता है। फिर आगे बढ़ो, और जैसे कि मैं आपको पहले के वीडियोज में भी कहा है ACCA में जिस भी आप लेवल पे हो कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं FM पहले दे सकती हूँ PM से, मैं PM बाद में देना चाहूँ, AA पहले यानी कि एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस पहले देना चाहूँ, वो सारे ऑप्शंस मेरे पास है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है आपका ऑडिट एंड अश्योरेंस। इसमें जैसे कि नाम है ऑडिट के बारे में, अब आप डिटेल में ऑडिटिंग के बारे में पढ़ोगे, आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कैसे होती है ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैसे कंपनी करेगी एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इन सब के डिफरेंसेस, ये सब आप डिटेल में अब ऑडिट वाले इसमें पढ़ने वाले हो। तो हमने अब सब डिस्कस कर लिया, स्किल्स के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए डिस्कस, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ हो गया, PM हो गया, FM हो गया यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स आ जाता है, टैक्सेशन में आपके पास चॉइस दी जाती है, आप कौन सी कंट्री का टैक्सेशन यू नो पढ़ना चाहते हो, UK है, सिंगापुर है, काफी सारी कंट्रीज का वो होता है। ऑफकोर्स टैक्स में आप टैक्स पढ़ते हो, आपका नॉर्मल पर्सनल टैक्सेस हो गए, GST हो गया, VAT हो गया, ये सारी चीजें आप टैक्स में डिटेल में पढ़ोगे। अगर आप फ्यूचर में यू नो टैक्स के फील्ड में काम करना चाहते हो तो इस पे आप ऑब्वियसली जोर डालोगे, और टैक्स बहुत ही जैसे ऑडिट अलग होता है फील्ड, वैसे एक टैक्स फील्ड हो गई। तो हमने ये भी पढ़ लिया। फिर आ जाता है FR यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें अब आपने इस नॉलेज लेवल में जो FA में पढ़ा था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता है FR। FR यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं FA लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़े, FR पे आप डीप डाइव करते हो, उन स्टैंडर्ड्स को काफी अब आप डिटेल में पढ़ते हो। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जो IFRS जिनको हम कहते हैं यू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सबको आप डिटेल में FR में पढ़ते हो। तो ये हो गए भाई मेरे स्किल लेवल के सब्जेक्ट्स। देन यू विल मूव ऑन टू प्रोफेशनल लेवल। नाउ प्रोफेशनल लेवल पे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको देने ही है, और चार सब्जेक्ट्स में से आपको दो देने हैं, तो मतलब चार में से दो ही देने हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट्स देने ही है वो कौन से हैं। पहला है आपका SBL यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। नाउ इस सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में आप ऑफकोर्स लीडरशिप से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, जो हमने बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था नॉलेज लेवल में उसका ही एडवांस वर्जन है। लीडरशिप मैनेजमेंट ये सारी चीजें आप पढ़ते हो इस पेपर में। फिर जो दूसरा कंपलसरी पेपर है प्रोफेशनल लेवल में वो है SBR यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। अब आपने FAR पढ़ा था यू नो स्किल लेवल पे, उसी का एडवांस हो जाता है SBR। वही सारे IFRS अब आप और डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा उसमें और ट्रिकनेस आ जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल है।
लेकिन जो आपने जो पहले पढ़ा है ना उसी पे नॉलेज बिल्डअप होती जाती है। ऐसा कुछ आपको नहीं लगेगा ये क्या नया पढ़ा दिया, वही सारी चीजें आप देखोगे ना, चैप्टर्स भी आप देखोगे FRSBR के कितने सेम है, क्योंकि आपको उसी पे बिल्डअप किया जा रहा है और एडवांस बस हो जाता है। अब आ जाते हैं हम उन चार सब्जेक्ट्स में जिसमें से आपको सिर्फ दो देने हैं। ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि अब आप इस लेवल पे हो कि जब आप, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया होता है आप जज कर पाते हो कि भाई मुझे किस चीज में स्पेशलाइज करना है, मैं कौन से फील्ड में जॉब करना चाहूँ। ये अलग बात है आप आगे जाके स्विच बेशक कर सकते हो, लेकिन एक प्रिलिमिनरी पे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। तो जो चार है वो हो गया आपका, जैसे आपने PM पढ़ा था अपना स्किल पे उसी का प्रोफेशनल हो जाता है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपने FM पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी का एडवांस हो जाता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपने ऑडिट एंड अश्योरेंस पढ़ा था उसी का एडवांस हो जाता है AAA एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस, और आपने टैक्स भी पढ़ा था उसी का एडवांस टैक्सेशन। अब आपको चॉइस दी जाती है, शायद मुझे लगता है कि भाई मैं ना फाइनेंस में जाना चाहता हूँ तो मैं AFM करूंगा, बट मैं शायद ऑडिट में भी जाऊँ तो इसलिए मैं ऑडिट वाला भी पेपर लूँ, नहीं मेरे को तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला ही ठीक लगा था तो मैं APM लूंगा, साथ में मैं या तो टैक्स ले लूँ या ऑडिट। तो ये चॉइस आपके पास दी जाती है। मैंने खुद क्या किया था, ऑडिट में मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने ऑडिट तो लिया ही, आई वॉज श्योर कि मुझे टैक्स में नहीं करना इसलिए मैंने टैक्स नहीं लिया, बट फिर दूसरा कौन सा, आई कुड हैव टेकन AFM और APM, तो मुझे लगा चलो मैं APM ही ले लेती हूँ। तो ये आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है आपने वो पेपर ले लिया तो बस आप उसी फील्ड में रह जाओगे, नहीं आप चेंज कर सकते हो, मैंने भी बहुत फिर चेंजेस किए, पर ये आपको एक चॉइस दिया जाता है कि आपको जो सब्जेक्ट्स आपने क्योंकि पढ़ लिए वो स्किल्स लेवल में, अब आपको वो चॉइस दिया जाता है कि भाई आपको किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट लगा, आप उसी में स्पेशलाइजेशन करो। और ये एक बहुत अच्छी चीज है ACCA के बारे में, यू नो वो फोर्स नहीं करते, वो चाहते तो वो ये चारों सब्जेक्ट्स को बना देते कि भाई आप ये चारों करो, आपको दो का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको चॉइस देते हैं कि भाई आपने अभी तक पढ़ा है, वो जानते हैं स्टूडेंट्स के पास इतना भी दिमाग है उन्होंने क्योंकि भाई स्किल लेवल क्लियर किया है, कोई छोटी बात नहीं है, तो दे नो कि उनको इंटरेस्ट जग गया होगा कि भाई मुझे टैक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गई या मुझे ऑडिट बहुत पसंद आ गई, तो फिर वो आपको चॉइस देते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगे जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगा आप उसमें कर लो स्पेशलाइजेशन, और बाकी जो दो इंपॉर्टेंट है ही वो हो गया आपके SBR एंड SBA, इसलिए उसको उन्होंने कंपलसरी बनाया है एंड इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। तो ये हो गया बच्चों सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ACCA में। तो ये 13 पेपर्स, ये लेवल्स क्लियर करके आप बन जाओगे एक ACCA एफिलिएट, एंड ऑफ कोर्स जब आप मीट करोगे जो वर्किंग रिक्वायरमेंट्स होती है यू नो 3 साल की, तो आप एक मेंबर भी बन जाते हो। बट एज एन एफिलिएट ऑल्सो वी नो कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मैंने खुद Big 4 में जॉब एज एन एफिलिएट ही किया है, मेंबर तो अपना ईयर्स वो कंप्लीट होते गए आप बन गए, बट मेनली एक बार आप एफिलिएट बन गए, एक बार आपने पेपर्स क्लियर कर दिए देन तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मेंबर्स से तो आप फिर बन ही जाते हो। सो ये है वो सारे सब्जेक्ट्स, यू नो मैं ये नहीं कहूंगी कि ओ बेटा आप बस ACCA कर लो सबसे सिंपल चीज है, नहीं, सिंपल और मुश्किल आप ऐसे नहीं जज कर सकते, सिंपल मुश्किल आप जज कर सकते हो अपने हार्डवर्क के बेस पे। मैं खुद को ही, मैं अपने आप को बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं मांगूंगी कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आई थी या मैंने 11th 12th में पता नहीं क्या कर दिया था, आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट, यू नो कभी मैं एवरेज लाइन पे भी गई थी, मैंने कभी ऐसे टॉप नहीं किया, बट आई वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट। मेन थिंग व्हाई आई ऑल्सो कुड क्लियर ACCA वॉज बिकॉज ऑफ माई डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। आपके पास आज के दिन में इतनी चॉइसेस हैं, यू नो वी एट फिनट्रैम ग्लोबल आर दी गोल्ड अप्रूव्ड ACCA लर्निंग पार्टनर्स हु आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कोचिंग मेंटरिंग। मेरे टाइम पे ये सब नहीं था, मुझे पास होता तो मैं शायद और जल्दी क्लियर कर जाती, यू नो घर बैठे बैठे आपको वीडियोज मिल रहे हैं, आप पढ़ सकते हो, आपके पास एक ऐसी यू नो इंस्टीट्यूशन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि रजिस्टर कैसे करना है, वो आपको हर मोड पे गाइड कर रहे हैं। So I feel that is amazing. आज के टाइम पे करना तो और इजी हो गया than back when, जब एक्चुअली कोई institutions नहीं थे, पढ़ना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अब आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, you just have to log into our website. We also offer scholarship worth 91,500 which is I feel amazing. इन सारी चीजों के लिए जानने के लिए डेफिनेटली एक बार ही सही वेबसाइट पे जरूर जाइए ना, आपको अपने आप समझ आएगा कि वी हैव सच ग्रेट फैकल्टी, खुद ACCA मेंबर्स एंड एफिलिएट्स हैं हमारे पास जो कि यू नो पढ़ाते हैं, क्वालिफाइड CAs हैं जो कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं।
तो डेफिनेटली विजिट अ वेबसाइट्स, टेक अ डेमो सेशन. अगर आपको लगता है कि यू नो देखूं तो कैसे ही पढ़ाई है, तो आप एक डेमो सेशन देखो, उसकी भी वीडियोस हैं सब यूट्यूब पे. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा जब कोई डेमो सेशन आएगा. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एजुकेट देम ऑल्सो कि भाई क्या सब्जेक्ट्स होते हैं ACC में. प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर पीयर्स, आपको लगे जिस भी क्लासमेट के लिए हेल्पफुल हो, आपके कोई फ्रेंड है, आपको कजन है 11th 12th में, उनके साथ भी आप ये वीडियो जरूर शेयर करो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, एंड यू कैन रीच आउट टू फिनट्रैम ग्लोबल, यू नो विथ रजिस्ट्रेशन क्लासेस. सारी लिंक्स वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जरूर मैं कहूंगी एक बार आप वहां वेबसाइट पे जाओ, यू नो लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि क्या कैसे आप क्लासेस ले सकते हो. आप खुद ही देखोगे इतना इजी प्रोसेस है, यू नो यू कैन जस्ट स्टार्ट राइट अवे, घर बैठे बैठे किसी भी वक्त आप कितनी भी बार वो वीडियो देख सकते हो, पढ़ सकते हो. इतने अमेजिंग बेनिफिट्स मुझे तो नहीं लगता और किसी कोर्स में और कहीं अवेलेबल है. सो फिनट्रैम ग्लोबल इज गोल्ड अप्रूव्ड लर्निंग ACCA पार्टनर, सो यू नो देयर इज क्वालिटी देयर. तो डेफिनेटली डू नॉट हेजिटेट, विजिट द वेबसाइट, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है, अभी भी हम और चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपको पता चल जाएगा सबसे पहले. टिल देन, दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ.